बीजेपी ने यूपी में मिशन 2017 को लेकर सियासी हलचल तेज कर दी है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह आज मेरठ और ग्रेटर नोएडा में रैली करेंगे। मेरठ में सुबह 11 बजे रैली की जाएगी, जबकि ग्रेटर नोएडा के जेपी इंस्टीट्यूट में शाम 5 बजे जनसभा करेंगे। शाह जनसभा करने से पहले बौद्धिक बैठक भी करेंगे। केंद्रीय मंत्री महेश शर्मा, बीजेपी विधायक विमला बाथम, यूपी बीजेपी अध्यक्ष केशव प्रसाद मौर्य और दूसरे बड़े नेता भी नोएडा में मौजूद रहेंगे। राजीव शर्मा हमारे साथ है। राजीव, मेरठ में जिस तरीके की जो रैली की जा रही है, इसको लेकर स्ट्रैटेजी क्या कुछ बनाई गई है, किन बातों पर फोकस रहेगा, क्या जानकारी? जी देखिए, मिशन 2017 की फतह के लिए बीजेपी ने अपने जो है कमर कस ली है और इसी के चलते वेस्ट यूपी का बूथ अध्यक्षों का सम्मेलन यहाँ पर किया जा रहा है, जिसमें अमित शाह जो कि राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं बीजेपी के, वो यहाँ पर शिरकत करने आ रहे हैं और वो यहाँ पर जीत का जो है मंत्र अपने कार्यकर्ताओं में फूकेंगे। लगभग 71 जो है विधानसभा सीटों से यहाँ पर बूथ प्रभारियों को बुलाया गया है। 24,000 से ज्यादा का ये आंकड़ा माना जा रहा है कि यहाँ पर जो संख्या रहेगी वो 24,000 से ज्यादा बूथ प्रभारियों की रह सकती है और इनके साथ जो है प्रदेश प्रभारी ओम माथुर जी और साथ में एजुकेशन प्रसाद मौर्य भी यहाँ पर जो है शिरकत करने पहुंच रहे हैं। जी बिल्कुल। चलिए, जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद राजीव, अपडेट आपसे हम लेते रहेंगे। तो माना जा रहा है 11 बजे पहुंचेंगे अमित शाह मेरठ, जहां पर बूथ स्तर पर किस तरह से काम किया जा रहा है इसको भी वो